नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर नवोत्कर्ष करियर एकेडमी में यातायात जागरूकता सेमिनार का किया गया आयोजन। कमिश्नरेट राजेंद्र सिंह पुलिस आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार शरद चौधरी पुलिस उपायुक्त यातायात जोधपुर, दुर्गाराम चौधरी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात जोधपुर के सुपरविजन में, रविन्द्र कुमार बोथरा सहायक पुलिस आयुक्त यातायात पूर्व जोधपुर के नेतृत्व में शुक्रवार को नवोत्कर्ष करियर एकेडमी जोधपुर में नीट एवं आईआईटी जेई अध्ययनरत विद्यार्थियों को यातायात शिक्षा टीम द्वारा यातायात शिक्षा मोबाइल वैन के माध्यम से यातायात नियमों की पीपीटी एवं हेलमेट लघु फिल्म दिखाकर यातायात जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। यातायात शिक्षा प्रभारी हनुमान सिंह हेड कांस्टेबल द्वारा विद्यार्थियों को यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी देते हुए बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के कारण बताते हुए इसमें कमी लाने हेतु यातायात नियमों की पूर्ण पालना करने की समझाइश की गई। नाबालिग विद्यार्थियों द्वारा वाहन चलाने पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की वीडियो क्लिप दिखाकर उनके दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की तत्काल मदद करने वाले व्यक्ति गुड सेमिरिटन हेतु उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना और बाल वाहिनी गाइडलाइन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सभी विद्यार्थियों को यातायात नियमों के पैम्पलेट्स वितरित किए गए। कार्यक्रम के अंत में एकेडमी के निदेशक डॉ. दिनेश गुप्ता, इंजीनियर ML छाजेड़, डुंगरदान चारण, पवन कुमार मीढ़ा ने सभी विद्यार्थियों को यातायात नियमों की पूर्ण पालना करने का विश्वास दिलाते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। हनुमान जी सर ने बहुत ही अच्छे ढंग से उस प्रोग्राम को रेगुलेट किया, ऑपरेट किया, और हमारे सब स्टूडेंट्स ने, सारे टीचिंग स्टाफ ने, नॉन टीचिंग स्टाफ ने, मतलब हम लोगों ने भी इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से एकाग्र मन से और अंतर मन में धार के ट्रैफिक नियमों की पालना की सीख ली है हमने। धन्यवाद। मैं पवन कुमार मिड्डा, नवोत्कर्ष करियर एकेडमी से डायरेक्टर। हमें अवेयरनेस मिली कि आगे घर पे भी बताना चाहिए और उनको भी कहना चाहिए कि आप सही रूल्स फॉलो करने चाहिए। सर ने बहुत बढ़िया समझाया और उस पीपीटी के माध्यम से मैं बहुत बढ़िया समझ आया कि किस तरह एक्सीडेंट से बचना चाहिए और क्या करना चाहिए। आगे भी प्रेरित करोगे? यस सर। और आपका नाम? जशन चावला। हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए और हेलमेट पहनना चाहिए। और भी अपने जो घर में है जिनको पता नहीं है, आपने क्या कि आज यहाँ पे पूरी जानकारी के साथ जो घटनाएं पहले घटी है हर जगह और जो लापरवाही घटी है उनके बारे में पूरी जानकारी है, वो भी घर में बताओगे आज? यस सर। क्या नाम है आपका? रचित। जो यहाँ पे जानकारी दी गई उससे आप कितने प्रेरित हो? आपका क्या नाम? हिमांशी। क्या कहना चाहोगे आज जो जानकारी मिली यातायात को लेकर? सही है ये, मतलब ट्रैफिक रूल का फॉलो करना चाहिए हमको, लेकिन सावधानी से, मतलब जहाँ पे भी रहे सावधानी बरते और थोड़ी सी भी अपनी सुरक्षा अपने हाथ में और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, सड़क सुरक्षा सारे नियम पालना करने चाहिए उनकी, और लोगों को इस बारे में अवेयर करना चाहिए और सभी को ट्रैफिक रूल्स जो भी है वो सब बताने चाहिए, जैसे कि रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट के बारे में समझाना चाहिए। ये सारी जानकारी आप आज को दी गई अच्छी तरीके से? हाँ, जो बहुत अच्छी तरीके से दी गई है, और मैं आज घर पे जाके भी मेरे फैमिली वालों को इसके बारे में अवेयर करूंगी और मैं कहना चाहूंगी। आपका क्या नाम है? खुशी। यातायात पुलिस का जो ये अभियान चल रहा है, आज जो आयोजन हो रहा है इसमें सहयोग को लेकर आप जो हर समय करते हो इसके लेकर जानकारी को लेकर बताएं। देखिए सर, पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर के अंदर हमारे पुलिस कमिश्नर महोदय के निर्देशानुसार और DCP ट्रैफिक और एडिशनल DCP ट्रैफिक द्वारा उसके सुपरविजन में हमें पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर के अंदर जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट है, कोचिंग संस्थाएं हैं, वहाँ लगभग प्रतिदिन सड़क सुरक्षा और जागरूकता का कार्यक्रम करते हैं। क्योंकि जब सड़क दुर्घटनाएँ जो हो रही है उनमें 50% जो एक्सीडेंट के कैजुअलिटी होती है युवाओं की होती है और जनरली कॉलेज लेवल के स्टूडेंट होते हैं, यानी कि 15 से लेकर 35 साल का जो एज ग्रुप है वो सड़क हादसों में 50% अपनी जान गंवाते हैं। और सबसे ज़्यादा अवेयरनेस की जरूरत युवाओं को है। और 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत पूरे प्रदेश के अंदर मिशन चल रहा है और पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में हमने लगभग 400 ट्रैफिक एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं जो शिक्षण संस्थानों में और चौराहों पर आमजन, वाहन चालकों और विद्यार्थियों, इनको यातायात नियमों की जानकारी और जागरूकता के लिए इसका फीडबैक भी अच्छा मिला है। और विशेषकर हमारा मिशन है कि युवाओं को अपने अंतर्मन से अपने लिए, अपनों के लिए और सूर्य नगरी प्रदेश और देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक युवाओं को माइंडली हार्टली तौर से हम बिल्कुल प्रेरित करें इमोशनल तरीके से। कुछ एक हमारे पास यातायात शिक्षा मोबाइल वैन है, इसके अंदर कुछ LED PPT और कुछ ट्रैफिक लघु फिल्में भी हैं
और ट्रैफिक पीपीटी के माध्यम से वो जो लाइव वो जो बच्चों को दिखाते हैं वो वास्तव में एक इमोशनली तरीके से बच्चों के दिमाग में बैठता है और कुछ मौखिक तौर से कहते हैं तो वास्तव में ये इनके प्रति बहुत ही अच्छा फीडबैक है और युवाओं ने बिल्कुल 100% इन्होंने यातायात नियमों की पालना करने हेतु संकल्प भी लिया है। हमें इन्हें बिल्कुल एक शपथ भी दिलाते हैं और आज नव उत्कर्ष कैरियर एकेडमी के अंदर जो प्रोग्राम किया है उन बच्चों ने बड़ी अच्छी रुचि से एकाग्रता से सुना है और एक शपथ के साथ इन्होंने बिल्कुल प्रण लिया है और एकेडमी के जो हमारे सभी निदेशक महोदय हैं इन्होंने बिल्कुल सपोर्ट किया है और बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला है।